स्वागत है आप सबका हमारे खास प्रोग्राम और आपके पसंदीदा शो सितारों का आईना में, जिसमें हम आपको बताते हैं इंडस्ट्री से जुड़ी किसी फिल्म, नाम, चेहरे, हस्ती, गाने, ट्रेलर का आईना जो होते हैं उनके दर्शक जो हर अच्छे बुरे भले को जज करके पहुंचाते हैं उन तक अपने कमेंट्स के जरिए, अपने व्यूज के जरिए और अपने प्यार के जरिए, और उसी प्यार को हम इस खास प्रोग्राम में लेकर आपके लिए आते हैं, जो लेकर एक बार फिर से हाजिर है। आज जो आईना हम लेकर आप लोगों के बीच आए हैं वो निरहुआ से जुड़ा है, क्योंकि निरहुआ हिंदुस्तानी 3 को सिनेमाघरों में तो दर्शकों ने बहुत प्यार दिया है, लेकिन अब बारी है सोशल मीडिया की, क्योंकि सोशल मीडिया पर हर कोई देख सकता है और सिनेमाघरों में सिर्फ कुछ ही दर्शक जाते हैं, क्योंकि PVR में रिलीज नहीं होती हैं भोजपुरी फिल्में, इसलिए PVR वाले दर्शक सिर्फ घर में बैठकर फोन पर ही देखते हैं भोजपुरी फिल्में। तो उन लोगों को कैसा लगेगा ये फिल्म, इस फिल्म के गाने या इस फिल्म से जुड़ी हर चीजें, ये आने वाले टाइम में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल इसका पहला वीडियो सॉन्ग रिलीज हुआ है जिसके बोल है लागता के हुओर से पट गई लू, जिसमें निरहुआ, सुभी शर्मा, आम्रपाली दुबे तीनों नजर आ रहे हैं। इस गाने को, वीडियो सॉन्ग को लोगों ने कितना पसंद किया है वो आपको आज इस प्रोग्राम में पता चलने वाला है, क्योंकि इस गाने पर हम कुछ कमेंट्स लेकर आए हैं जिसमें आलोचना भी है और सकारात्मक कमेंट्स भी है, दोनों ही तरह के कमेंट्स हम आपको आगे बताएंगे। फिलहाल इस फिल्म और इस गाने से जुड़ी एक ताजा जानकारी देख लीजिए यहाँ। भोजपुरी सिनेमा के जुगली स्टार निरहुआ की फिल्म निरहुआ हिंदुस्तानी 3 को अगर आप सिनेमाघरों में देख चुके हैं, अगर नहीं भी देखा है तो आपके लिए ये किसी खुशखबरी से कम नहीं है कि सोशल मीडिया पर भी अब धीरे धीरे इस फिल्म से जुड़ी सारी चीज़ें रिलीज हो रही हैं। फिलहाल इसका पहला वीडियो सॉन्ग रिलीज हो चुका है जिसके बोल हैं लगातार दूसरा से पट गई लू, जिसे गाया है फिल्म डायरेक्टर और संगीतकार रजनीश मिश्रा ने पहली बार, जिसमें उनका साथ दिया है प्रियंका सिंह ने। इस गाने को सुनने के बाद याद आ जाता है रितेश पांडे का गाना पियावा से पहले हमार रह लू। वेल, कुछ घंटे पहले ही ये गाना रिलीज हुआ है वीडियो सॉन्ग के रूप में, जिसमें निरहुआ सुभी शर्मा को मनाने की पूरी कोशिश करते हैं फोन के जरिए। फिल्म को और गानों को सिनेमाघरों में बहुत प्यार मिला है, तो ऐसे में देखना दिलचस्प होने वाला है कि सिनेमाघरों में हिट होने के बाद सोशल मीडिया पर ये फिल्म कितना धमाल मचा पाती है। निरहुआ के नाम पर बनने वाली फिल्मों की संख्या बहुत ज्यादा हो चुकी है, तभी और अभी थमी नहीं है, इसके सीक्वल बनते जा रहे हैं। अभी देखिए तीसरा पार्ट बना है, जब तक निरहुआ ने सोच भी लिया है कि वो चौथा पार्ट लेकर आएंगे, लेकिन तीसरे पार्ट का गाने को लोगों ने कितना प्यार दिया है जो चौथे पार्ट तक पहुंच गए निरहुआ, कितना रिस्पॉन्स मिल रहा है, कितना पसंद आ रहा है लोगों को गाना, वो पता चलेगा इस कमेंट से जो सकारात्मक से भरे हैं, जिन्होंने निरहुआ आम्रपाली को खूब सारा प्यार दिया है। देखिए पहला कमेंट AR खान का है जो लिखते हैं सो ब्यूटीफुल सॉन्ग ब्रो। राकेश कुमार लिखते हैं सुपर फैंटास्टिक। सहरोज खान लिखते हैं एकदम झक्कास निरहुआ जी। अमन लाल ऑफिशियल लिखते हैं सुपर सॉन्ग। संदीप कुमार यादव लिखते हैं नाइस भैया गुड। माही ऑफिशियल लिखते हैं नाइस सॉन्ग्स। नीतीश कुमार लिखते हैं लवली सॉन्ग दिनेश जी। दिनेश लाल यादव जी के जितने भी फैन हैं वो लोग मेरे कमेंट को लाइक करें। सम्राट प्रवेश लिखते हैं लव फॉर दिनेश लाल यादव। जनार्दन कुमार लिखते हैं एकदम कड़क सॉन्ग है। भूपेंद्र यादव लिखते हैं गुड भाई जी वेरी गुड क्या सॉन्ग है। सूबेदार यादव लिखते हैं सुपर। नागपुरी लिखते हैं लव यू दिनेश भैया। रणवीर कुमार लिखते हैं द रियल हीरो निरहुआ। सचिन प्रधान लिखते हैं जिया हो हमार शेर। हिमांशु कुमार लिखते हैं फुल वीडियो अपलोड कीजिए भैया। गणेश राजा लिखते हैं वेरी नाइस। अच्छे अच्छे और प्यारे प्यारे कमेंट जाने के बाद वक्त हो चला है कुछ आलोचना भरे कमेंट्स भी जान लेने का, जिसमें लोगों ने जमकर गुस्सा भी निकाला है, कुछ लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं भी दी हैं, कुछ लोगों ने अपनी बातें रखी हैं कि ऐसा होता तो ज़्यादा अच्छा रहता, और वो लोग क्या कहते हैं, कैसे गुस्सा निकाला है कमेंट के जरिए देखिए। राकेश कुमार लिखते हैं कॉपी मत करो भैया जी। रामकेश यादव लिखते हैं आप अपने वॉइस में क्यों नहीं गाते हैं, आपका क्रेज कम हो रहा है। रिक्की लिखते हैं निरहुआ पहले का ही कॉपी कर दिया। अतुल गुप्ता लिखते हैं फुली कॉपीड, भगवान ही मालिक है यार, कभी तो कुछ नया दिया करो। सरिता राय लिखती हैं आम्रपाली को लेना जरूरी था, कितनी बोरिंग है ये।
रोहित यादव लिखते हैं, दोनों सिंगर बकवास गा रहे हैं, मजा नहीं आया। प्रदीप कुमार लिखते हैं, गालियों के साथ सिंगर को इन्होंने जो नवाजा है आप लोग देख सकते हैं। काशिप कास्कर लिखते हैं, बट रॉन्ग सॉन्ग हाफ। योगेंद्र यादव ने भी नकली कहकर गाली दी है। प्रिया सिंह लिखती हैं, ओ माय गॉड, अश्लीलता अब निरहुआ भी कर रहा है। ऐसे कमेंट से निराश होने की जरूरत नहीं है। हम हमेशा कहते हैं बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है, और बेशक से लोगों ने आलोचना की हो लेकिन उससे ज्यादा लोगों को पसंद भी आया है। आज के इस खास प्रोग्राम में सिर्फ इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही इंडस्ट्री से जुड़ी किसी और फिल्म, नाम, चेहरे, हस्ती, गाने, ट्रेलर का आईना लेकर। लेकिन तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।